बेसिक सी क्वेरी पूछी है। इन्होंने लिखा है कि बहुत बेसिक सवाल है मेरा, क्या एक इन्वेस्टर मल्टी बैगर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है BPCL और CDSL जैसे स्टॉक्स में अगर उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करे। और इन्होंने बताया कि ये दोनों में इन्वेस्टेड हैं और बैठे हुए हैं 50-80% रिटर्न के साथ, यानी BPCL में 50% रिटर्न, CDSL में 80% रिटर्न है। तो ये जो इनका बेसिक क्वेरी है उसका क्या जवाब है? क्वेरी बेसिक उनके लिए होगी, लेकिन हमारे लिए काफी डिफिकल्ट क्वेरी है, क्योंकि मल्टी लेवल वो मिल जाए, रिटर्न्स मिल जाए, उसके लिए प्रिडिक्ट करना टेक्निकली थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर CDSL की बात करिए तो CDSL का बिल्कुल ट्रेंड पॉजिटिव है, एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। आई थिंक ये करेक्शन शायद 2220 या 2200 के आसपास कहीं ना कहीं थमेगा जरूर, और फिर जब रैली रिज्यूम होगी तो आपको शायद 2750 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो इस स्टॉक में तो बिल्कुल बने रहना चाहिए।